हर पुलिस वाला सिंह हमें कोई इनकाउंटर करता नहीं हो जाता है जब वो अटैक करेंगे तो हम तो ट्रेंड हैं रिटेलिएट करने के लिए हर फायरिंग के बाद एक इंक्वायरी होती है इतने देर से हम बात करें इंकाउंटर 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 यही होता रहा लाइफ में मैं मैं इसलिए छोड़ा कि मुझे बिहार अपनी ओर खींच रहा था बक्सर की तरफ से अंदर आइए और चाहे वो यू नो आप बंगाल की तरफ से अंदर आइए आते ही आपको पहले ही आता है भैया घुस का कि मैं तो बोल रहा कि भैया आईपीएस पी है भैया आईपीएस पी है भैया मुझे बहुत अरे अंदर से ना ग्लानी महसूस होती है अंदर वो स्वामी विवेकानंद की बात याद आती थी मुझे बार बार एक भी आदमी अगर गरीब है तो वो हर आदमी जो अमीर है और कंफर्टेबल है उसको उसका दोष लेना पड़ेगा अपने सर में कि वो आदमी अभी भी गरीब क्यों है क्योंकि अगर कोई आता भी है तो मैं तुरंत बहन बना लेता हूँ हाँ सीधा बहन मेरा भाव ही भाई का है हमेशा मैं आनंद भैया ही हूँ मैं आनंद भैया ही रहना चाहता हूँ नमस्कार स्वागत है आपका दर्श न्यूज में मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया तो आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक आईपीएस ऑफिसर की चर्चा हर ओर हो रही है जी हाँ आप ठीक समझ रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो सिंघम के नाम से फेमस है आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की इस वक्त हमारे साथ खुद आनंद मिश्रा है सर सबसे पहले आपका धन्यवाद दक्षा जी थैंक यू तो आखिर क्यों सिंघम बोला जाता है इतने सारे एनकाउंटर्स आपने किए हैं साफ तौर से आ, हर जगह ये चर्चा आपकी हो रही है क्यों आखिर क्यों है नहीं नहीं देखिए हर पुलिस वाला सिंघम है हाँ अगर ऐसा कहा जाए तो क्या हो कि कोई भी आदमी जब कन्विक्शन के साथ अपने काम को करता है तो वो जो फील आती है और प्लस यूनिफॉर्म पर्सनल होने के कारण क्या होता है आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और इसलिए ही वो सिंघम अगर तो खैर पुलिस ये फिल्मी टाइटल्स है तो बठहर पुलिस वाला सिंघम है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है और बाकी तो इनकाउंटर वनकाउंटर तो ऐसे ही होता रहता है वो तो मतलब सब जो भी ड्यूटी कर रहा है तो ऐसा सिचुएशन अराइज होने से ये सब होते रहते हैं आई डोंट थिंक कि इसके लिए कोई स्पेशल क्रेडिट होना चाहिए ये सारे पुलिस वाले हमारे जितने भी भाई है पुलिस में एवरीबडी इज़ इक्वली केपेबल कोई ज़्यादा दिखता है कोई कम दिखता है बस लेकिन हंड्रेड uh, से ज़्यादा इनकाउंटर्स <laughs> अब तक आप दैट इज़ ओके आई मीन लेट इस नॉट इसी चीज़ को हम बार बार करते करते ये मुझे लगता है कि नगेटिव क्रिएट हो जाएगा एक इमेज बिल्डिंग जैसा हो जा रहा है विच पर्सनली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस मैं पर्सनल कहे तो मुझे इसका कोई बड़ा गुरूर नहीं है या किसी तरह का ना कि लोग ऐसे कहे तो मुझे कोई किक मिलता हो सच बोलिए तो नहीं मिलता mm -hmm. आ, ये एक डार्क साइड ऑफ लाइफ होता है एक पुलिसिंग में दिस इज़ नॉट अ हैप्पी थिंग कोई पुलिस वाला नहीं चाहता कि यू नो जहाँ पे इस तरह का मुठभेड़ हो किसी तरह से mm -hmm. किसी तरह का ऐसा जो चीज़ हो जो कि हम सो कॉल्ड विथ मिनिमोलिस्टिक फोर्सेज से कंट्रोल ना कर पाए तो मेरे लिए भी पर्सनली कही है तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट बट यस जब हुआ तब हुआ सिचुएशन ऐसा था वक्त हालात ऐसे थे बट uh, किसी भी पुलिस को मैं कहूँगा कि वी शुड नॉट हम ना क्या होता है कि इन सब चीज़ों में ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता है लगता है कि ऐसे अगर फिल्मी टाइप का लगता है ना वो वो दिखाता है कुछ टी में वो जो एक भाई साहब होते जो चिल्ला चिल्ला के कुछ क्राइम का बारे के बारे में बोलते तो वो एक सेंसेशनलिज़्म है तो अनफॉर्चुनेट है बट हमारा इंसानी जो दिमाग होता है वो ऐसे नेगेटिव चीज़ों के तरफ ज़्यादा खिंचता है तो बट आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट इट कुछ और क्या एक एक और सवाल इसी से पूछना चाहेंगे क्या कारण होते हैं आखिर एनकाउंटर्स के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस रहा है बहुत एक्सपीरियंस हैं आप और इसकी चर्चा होती है तो आखिर क्या कारण हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। तो कोड़ी ये जाता है एक नहीं नहीं, नहीं एनकाउंटर कोई इनकाउंटर करता नहीं हो जाता है क्या होता है इनकाउंटर जो चीज़ है ना कि अगर दो पक्ष होते हैं पक्ष होता है विपक्ष होता है तो हम जो पक्ष वाले होते हैं जो धर्म के राह पे चलते हैं जो लॉ के लॉ इन्फोर्समेंट के लिए खड़े हैं तो जब तक विपक्ष को आप जब चैलेंज करते हैं तो कुछ विपक्षीय शक्ति होती है जो रिएक्ट करते हैं वो हर तरह के साम दाम डंड भेद हर चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं जब उन्हें लगता है और कुछ काम नहीं करता है तो वो अटैक करते हैं तो जब वो अटैक करेंगे तो हम तो ट्रेंड हैं रिटेलिएट करने के लिए हम सेल्फ डिफेंस में फायर करने के लिए आई I मीन mean, हम ट्रेंड हैं वैसे क्योंकि अगर हम पे फायर होता है क्योंकि आप देखिए कोई भी पुलिस वाला इतने मेहनत से उसकी सिलेक्शन होता है उसकी ट्रेनिंग पे इतना खर्च होता है वो ट्रेंड होता है एक असेट तैयार होता है देश के लिए और फोर्स के लिए और उसके बाद एक कोई भी ऐसे आदमी आके और ऐसे मार के चला जाए तो I आई मीन mean, खुद सोचना चाहिए ना कि एक ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर इंसान की हानि नहीं है एक सिर्फ परिवार का लॉस नहीं है ये एक नेशनल रिसोर्स का भी लॉस है तो ऐसे सिचुएशन में जब भी होता है कि अथॉरिटी चैलेंज होती है क्योंकि जब भी कोई विपक्षीय जो दल है जो अधर्मी है अगर वो फायर ओपन करता है तो वो सिर्फ उस पुलिस वाले पे नहीं ओपन करता है वो पूरा का पूरा सिस्टम पे फायर करता है वो गवर्नमेंट पे फायर करता है वो जो सामाजिक ट्रस्ट है उस पर फायर करता है तो उसकी रक्षा के लिए यू नो तो रिटेलिएशन ही एक ऑप्शन है क्योंकि आप खड़े हो के गोली नहीं खा सकते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में अक्सर होता है कि इनकाउंटर दूसरा होता है कि कभी आप जब किसी को रोकने का प्रयास करते हैं कुछ लोग होते हैं ना जो कि आपके कानूनन तौर से रुकते नहीं हैं वो कुछ भागेंगे कुछ करेंगे उनका वहाँ से निकल जाना भाग जाना कई बार होता है कि वो ज़्यादा घातक हो सकता है क्योंकि हम अगर उसको पकड़ के कुछ और होने वाले क्राइम को हम रोक सकते हैं अगर भाग गया तो कुछ और क्राइम वो कर सकते हैं तो इसलिए भी कई बार होता है कि यू हैव टू उनको रोकने के लिए फायर करना पड़ता है बट वो जनरली बेल्ट के नीचे ही फायर होता है कि वो मरे नहीं घायल होता है बट मरे नहीं तो ऐसे सिचुएशंस में जनरली फायर होता है नहीं तो कोई पुलिस वाला नहीं चाहता बिलीव मी क्योंकि हर हर फायरिंग के बाद एक इंक्वायरी होती है है ना और एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन है प्रोसेस है जो कि बहुत ही आपके लिए मेंटली इन्गेजिंग होता है आज हम कह के जितना आराम से नहीं हर एक बार जब गोली चली है उसकी इंक्वायरी हुई है यू नो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वो गुजरना पड़ता है कि कहीं वो गलत तो नहीं क्या वो करना ज़रूरी था उससे कम से काम नहीं हो सकता था तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम होता है सबके लिए एक मेंटल एक प्रेशर होता है यू नो पूरे सिस्टम के ऊपर ये प्रेशर आता है सिर्फ वो इंडिविजुअल ऑफिसर का नहीं होता है तो इसलिए हर आदमी कोशिश करता है कि ऐसे सिचुएशन से ना गुजरना पड़े वो एक्सट्रीम सिचुएशन में ही सिर्फ ऐसा होता है ठीक है और भी सारी बातें करेंगे पिछले दिनों जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया आपने पद से इसके बाद Uh, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो सामने आ रही कि बक्सर से आप चुनाव लड़ने वाले इस पर भी बात करेंगे लेकिन पहले आप किस सफ़र के बारे में जानेंगे कैसे शुरुआत हुई क्योंकि सबसे कम उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं नहीं ऐसा नहीं है कोई कम उम्र वाली बात नहीं है मैं ऐसा नहीं था कि कम उम्र में ये कुछ कुछ लोग ऐसे कंजेक्शन उड़ा देते हैं हर आईपीएस पी अफसर जो बनता है वो कम ही उम्र में कम ही उम्र में बनता है जो भी बनता है अगर आईपीएस क्योंकि आपकी उम्र सीमा ही तीस है तो जो होगा उसके नीचे ही होगा सो दैट इज़ वन अदर थिंग लेकिन ये ज़रूर है कि यू पी टफ सबके लिए जो भी यू देना चाहता है टफ़ मेरा था कि मैं क्लास एट से ही डिसाइडेड हो गया था कि मुझे यू क्लियर करना और आई ही बनना है तो ये जब आप लक्ष्य लेके जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी तैयारी का टाइम होता है काफी पहले से जब शुरू हो जाता है तो यू नो अकॉर्डिंगली यू गेट सम टाइम तो उस हिसाब से देखा जाए तो यस yes, इट वाज मुश्किल था घर वालों का आ, इनिशियली कोई सपोर्ट नहीं था रेजिस्टेंस uh, भी था कि आप अपने uh, सपनों को अपने औकात से ज़्यादा करके देख रहे हैं ये पूरा नहीं होगा फ्रस्ट्रेशन होगा वक्त बर्बाद होगा पैसे बर्बाद होंगे <laughs> तो इसलिए इसके लिए थोड़ा इनिशियल डिस्करेजमेंट मिला था एंड बाद में लोगों को भरोसा होने लगा कि नहीं ठीक है कर सकता है जब इतना लगा हुआ तो हो जाएगा एंड देन गॉड वॉज ग्रेट कि यह चीज़ uh, हो पाया और होने के बाद फिर यू नो माई लाइफ एज आई बहुत नॉर्मल पुलिस वालों की जैसा नहीं थी तो बहुत सारे और भी अफसर होते हैं जो ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं जो कि टफ़ एरियाज़ में पोस्टेड हैं तो मैं भी ऐसे ही एक टफ एरिया में पोस्टेड हो गया मेघालय या नहीं इनिशियली तो मेरा यही जो आप इतने देर से हम बात करें इनकाउंटर 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 यही होता रहा लाइफ में कि जब मैं ज्वाइन किया मेघालय में स्पेशली मेरे इनकाउंटर्स जो मैक्सिमम थे वो गारो हिल्स की पहाड़ियां हैं मेघालय में जहां पे जी एक ग्रुप था गारो नेशनल लिब्रेशन आर्मी और उसके साथ बहुत सारे और ग्रुप थे यू नो ए एन वी सी एच एन एल बहुत सारे ग्रुप थे ये तो उनके साथ मिलकर अल्फा का नाम आप सब ने सुना होगा इन्हन जो वो था तो इनके एक जो कम्बाइंड ग्रुप जो था जो वहाँ पे एक्टिव था और सिर्फ वो नॉर्मल लोगों को तो छोड़िए पुलिस वाले वर्दी वालों के पीछे पड़ गए थे ये जहाँ मिले वहाँ उड़ा दीजिए आई लगा देते थे गाड़ियाँ उड़ा दी जाती थी आपको यू नो रॉकेट लॉन्चर्स चला दिए जाए मतलब जो जो पॉसिबल है तरीके से उस तरह से अटैक करके डिमोरलाइज करा जाता था फोर्स को ताकि वो अपनी जो इलीगल गतिविधियाँ हैं जैसे पैसे उगाही की चीज़ें हैं और अलग अलग तरह की स्मगलिंग एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़ तो इसमें वो लिप्ट हो सके और इसके अलावा और भी था उनके कुछ डिमांड्स हैं जो कि सो कॉल्ड मिसप्लेस्ड नेशनलिज्म मैं समझता हूँ क्योंकि एक डेवलप्ड सोसाइटी में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए बट फिर भी तो इन सब के कारण एक ऐसे सिचुएशन में हमें काम करना पड़ा जहाँ पे आपको वर्दी पहनने को भी नहीं आप केमो पहन के घूमते हमेशा एक और उसमें आफ्लाप पे अपने स्टार्स और ये लगा भी नहीं सकते कि आप आई पी एस ए के क्या है एक सिपाही के जैसे ही जैसे सब होते वैसा होके ग्राउंड में काम जो तो करीब जीवन के पाँच छः साल मेरे ऐसे ही गुजरे तो वो यू you नो know, तब वो बहुत टफ लगता था कि यार ये टफ़ मतलब ये क्या है मैं यू पी करके कर आया हूँ आई ऑफिसर हूँ तो सब सोच के आता है ना लाल बत्ती की गाड़ी होगी बड़ा सा बंगला होगा घर होगा बट ये फैक्ट नहीं होता है क्योंकि आप ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ और होता है तो उससे गुजरते हुए फिर आगे बढ़ा उसके बाद मेरे तब के डीजीपी साहब ने से मैंने कहा कि मुझे आसाम में भी जाना है मुझे थोड़ा बड़ा लेवल पे काम करने की इच्छा थी हमेशा तो मेघा मेघालय क्योंकि एक छोटा स्टेट था तो और सिर्फ यही हो रहा था एक ही चीज़ तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया एक जिला देखे एस पी था मैं एक साउथ गारोह ज़िले में कहा कि ये ज़िले को तुम मुक्त कर दो एकदम मिलिटेंसी से ख़त्म कर दो हाँ देन एज अ रिवॉर्ड हम तुम्हें भेज देंगे यहाँ से मिलिटेंसी ख़त्म हो जानी चाहिए वॉज शॉक एंड सरप्राइज प्रेजेंटली आई वि कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी हमने सच में ख़त्म कर दिया सच में ख़त्म कर दिया एंड दैट पार्ट वो सेंस ऑफ अचीवमेंट अच्छा लगा फिर एज अ रिवार्ड मुझे आसाम में पोस्टिंग मिली और फिर उसके बाद फिर और चार जिलों में मैं फिर एस पी रहा वहाँ पर भी आके अलग अलग माफियाज़ अलग अलग, अलग, -अलग यू नो गैंगस्टर्स और अलग अलग लोग जो कि नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध भी काम करते थे इवन क्रॉस बॉर्डर काम करते थे जो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास वहाँ पे उन लोगों से भिड़ने का एकदम डायरेक्ट कन्फर्टेशन का मौका मिला एंड अगेन मैं वही थैंक्स कहूँगा मेरी टीम को और मेरे पूरे सेटअप को कि उन सबके यू नो सहयोग से और पब्लिक के एक्सट्रीम सपोर्ट से मतलब ये एक अनप्रेसिडेंटेड होगा आप इतिहास उठा के अगर देखेंगे पुलिस का इस कदर पब्लिक सपोर्ट कर सकते हैं किसी पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतना कि आप सोच नहीं सकते हैं लोग भी कुछ कुछ कह जाते थे कि हमने यार ठीक है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए अच्छा पब्लिक सर्वेंट के लिए प्यार हो वो पुलिस वाले के लिए इतना प्यार तो कभी होता है सब सोच नहीं सकता तो ये मुझे एक तरह का अचीवमेंट जैसा लगा और अच्छा लगा तो इन सब चीज़ों से जब पार होते होते तो मैं बहुत टफ टाइम से गुजरा हूँ इनिशियल टाइम्स में और जब अभी छोड़ा जब मैं mm -hmm. तो आई वॉज लाइक माई पीक ऑफ द करियर कहता ना कि एकदम टॉप पे आप सब अच्छा हो रहा आपके साथ सब बढ़िया जी ये जानना चाहेंगे कि इतना प्यार मिल रहा था लोगों का इतना अच्छा आप कर रहे हैं और वहाँ के लोग जो है इतना आपको भरपूर चाह रहे थे प्यार दे रहे थे लेकिन क्या कारण रहा कि आपने इस्तीफा दे दिया नहीं कारण देखिए मेरा कोई कारण पुश नहीं था इसलिए नहीं छोड़ा मैंने कि कोई मुझे वहाँ से बाहर की तरफ ठेल रहा था मैं मैं इसलिए छोड़ा कि मुझे बिहार अपनी ओर खींच रहा था क्योंकि जब यहाँ आता था तो मैं देखता था कि कुछ चीज़ें होती है जो किया जा सकता है और मैं खुद उसका पार्ट था कि चीज़ों को एकदम से मैं याद है मुझे हम 2011 हज़ार ग्यारह बैच का हूँ मैं तो 12-13 में जो अवस्था थी और अभी जो तेईस चौबीस में जो अच्छी व्यवस्था है तो ये जो बदलाव होते हुए देखा उस बदलाव का मैं भी एक हिस्सा था और इतना पॉजिटिव चेंज हुआ एकदम टर्न हो गया पूरा का पूरा चीज़ और इतने कम टाइम में इतना एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एक डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री पे एक स्टेट आ सकता है तो ये देख के अच्छा लेकिन जब जब मैं बिहार आता था तो थोड़ा सा मायूसी ये लगता था कि जिस स्पीड से बिहार को यहाँ भी काम हुआ मैं कह नहीं कहूँगा क्योंकि हम आज अच्छे से बात करें से, सब तो सब ने अपना यहां पे अपना यहाँ पर अपना एफर्ट दिया है कंट्रीब्यूशन दिया है देखिए थोड़ा स्पीड और पकड़ना है और और मुझे लगा कि बिहार का अब देखिए वक्त तो सबका आएगा मेरे आने नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिहार का वक्त आना है और आएगा वो चाहे उसका माध्यम आप बने हम बने कोई और बने तो मुझे पता है कि बिहार अब बनेगा अब बिहार बनने का टाइम हो गया क्योंकि देश जो राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है और राष्ट्र निर्माण हो रहा है जो दो का हमारा जो है यू नो विकसित भारत का जो सपना है जो बनेगा तो उसमें जब यहाँ से जो डेवलपमेंट रेजिक्ट्री स्पीड होगी मैं इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहता था यू नो और साथ में कि मैं जब भी गाँव आता कुछ होता तो मैं जितने भाई बंधु हैं सब कहे कि मैं तो बोल रहा कि भैया आई पी एस है भैया आई पी एस है भैया मुझे बहुत अतः अंदर से ना ग्लानी महसूस होती थी भैया आई पी एस है लेकिन भैया कर क्या रहे हैं तुम्हारे लिए बस ये फीलिंग ही दे पा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने की यू नो विचार रखता हूँ कि मैं जो भी हमारे हमारे जो समाज है हमारे जो जो भी हमारे सोसाइटी है लोग हैं आसपास हैं और पूरे बिहार में कि मैं इनके बेहतरी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कुछ कर सकूं मैं यहाँ पे देने के इरादे से आया हूँ मै क्योंकि आई वाज इन अ गुड पोस्ट मैं सब ठीक था मेरे लिए मैं रहता तो आराम की जिंदगी मेरी एकदम चार्टेड जिंदगी थी बढ़िया से गुजरती बट वो मन नहीं मानते हैं ना अंदर वो स्वामी विवेकानंद की बात याद आती थी मुझे बार बार उन्होंने कहा ना कि टिल द टाइम इवन वन पर्सन इज़ सफरिंग थ्रू पॉवर्टी आई होल्ड एवरी मैन गिल्टी हु इज़ फ्लरिशिंग एंड हु इज़ वेल्दी मतलब कि जब एक भी आदमी अगर गरीब है तो वो हर आदमी जो अमीर है और कंफर्टेबल है उसको उसका दोष लेना पड़ेगा अपने सर में कि वो आदमी अभी भी गरीब क्यों है तो ये दोष मैं अपने सर पे और नहीं लिया जा रहा था मैं उसमें डायरेक्टली उतर के कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था इसलिए मैं आया अच्छा बिहार से भी आप ताल्लुका रखते हैं बिहार से ही बिलोंग करते हैं और असम में इतने समय अपनी ड्यूटी दी है चार ज़िलों में आपकी पोस्टिंग रही ये जानना चाहेंगे दोनों जो राज्य हैं उनमें फ़र्क क्या आपको महसूस हुआ राइट right. uh, सही बात है असम में uh, मैं बिहार से मतलब पूरा ठेठ बिहारी हूँ मैं यहीं से हूँ और uh, पांच जिलों में रहा मैं वहाँ पे एज डिस्ट्रिक्ट एसपी उसके अलावा और भी uh, तीन चा, चार चार ज़िले हैं जिसमें कि मैं अलग अलग uh, उसके जूनियर एडिशनल एसपी एसडीपीओ के पोस्ट पे भी रहा हूँ और बिहार और असम में जो एक मेजर डिफरेंस uh, है वो uh, आप देख लीजिए भौगोलिक देख लीजिए डेमोग्राफी देख लीजिए तो ये तो है क्योंकि अब बिहार इतना बड़ा है बिहार का पॉपुलेशन असाम के पॉपुलेशन चार गुना है तो प्रॉब्लम भी चार गुना हो गए है ना तो हर चीज़ चार गुना है यहाँ पे तो उस हिसाब से यहाँ की चीज़ें जटिल हो गई हैं कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और बिहार ने बहुत कुछ सहा है जो आसाम ने नहीं सहा है ना क्योंकि जोग्राफी में देखिए आप जैसे जहाँ पे स्थित है तो जितने इन्वेशन हुए जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई तो उसमें बिहार कहीं ना कहीं सीधा सामने पड़ जाता था और जब भी अब बाद लास्ट अंग्रेज़ जब तक आए जब उधर से भी उधर से भी मारे जब अंग्रेज़ आए बंगाल में वो इधर से मारे तो दोनों तरफ के बीच में बिहार हो गया सैंडविच हमारा और इतना ज़्यादा प्रताड़ना सहा है इसलिए आपने बिहार बिहार में देखेंगे ना कि थोड़ा कॉलोनियल माइंड आ गया है लोग थोड़ा उग्र हो जाते हैं नाराज़ हो जाते हैं गुस्से में आ जाते हैं कोई चीज़ों में कॉम्पटिशन ज़्यादा हो ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है ये हिस्टोरिकली हम बिहारी एज अ टोटल हमने इसको सफ़र किया है ये आसाम में नहीं है आसाम में क्या था कि जब जैसे वहाँ से अटैक होता था वहीं से मार के भगा देते थे वो घुसने ही नहीं देते थे अंदर तो इसलिए आसाम फिर भी थोड़ा सा यू you नो know, सेफ रहा प्रोटेक्टेड रहा और उसका जो विकास हुआ वो एक बड़ा आराम वाला विकास है जहाँ पर आपको शांति सुख समृद्धि जो हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं वो आसाम का आई बिलीव मस्ट बी हायर वो काफ़ी ऊंचा है लोग वहाँ खुश रहते हैं वहाँ वातावरण अच्छा है है ना वहाँ के जो इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में शायद बिहार के जितनी क्लिष्टता नहीं आएगी हाँ क्राइम के मामले में इसके मामले कहे तो वो तो बिहार का दस गुना टाइप का था वो जहाँ पे होता है तो क्राइम नहीं क्राइम ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा हाँ। जो तरीका था वो ज़्यादा घनघोर गंग, था हाँ तो वो जो देखेंगे आप जो अब यहाँ क्या होते हैं कि यहाँ क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ मिलिटेंट्स होंगे अब आप फ़र्क समझ सकते हैं ना तो वो दे लाइक डू और डाई वाला हिसाब आ जाता है उनके वेपनरीज अच्छे हैं उनका अटैकिंग मॉड्यूल गुरीला वॉरफेयर करते हैं वो निकलते ही हैं मारने के लिए ट्राई कर नहीं आते मार नहीं आते है। हाँ भी तो आते। आनंद जी की काफी ज्यादा बिहार में भी अपराध है अपराध है देखिए ये आगे तो आगे वही आगे है कि अब इम्प्लॉयमेंट वगैरह और बाकी डेवलपमेंट इश्यूज जब हम अगर एड्रेस कर पाएंगे तो ये भी चले जाएंगे तो मैं मानता हूँ जो हमारे भाई बरगला गए हैं जो कहीं रास्ता भटक रहे हैं वो क्राइम नहीं खोज रहे थे वो नौकरी खोज रहे थे वो एम्प्लॉयमेंट खोज रहे थे वो नहीं मिल पा रहा तो वो कहीं तो घर चलाने को उनको इजी और जोश है युवा है ताकत है और प्लस उनको लगता है क्योंकि जैसे मैंने बताया बिहार का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसके चलते लोगों में समझ बहुत ज़्यादा है चीज़ों की समझदारी ज़्यादा है तो वो अपने हक़ के लिए भी लड़ना चाहते हैं वो एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो जब कोई पथ प्रदर्शित उनको ना कर दे सही राह ना दिखा दे युवा को तो वो फिर उन्हें लगता है कि ये एक ईजी ऑप्शन है और अगर देखिए व्यवस्था हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर या क्रिमिनल व्यवस्था जितना शार्प होगा उतना ये ये किसी को बंदूक उठाने में डर लगेगा तो कहीं ना कहीं तो छूट रहे हैं तो मानना पड़ेगा देखिए हम ये नहीं हो सकते इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए जहां भी व्यवस्था मैं पुलिस से आ रहा हूँ पुलिस के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो है उसको नहीं मानेंगे तो हम काम कैसे करेंगे तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं कुछ ऐसा गलत कि नहीं अच्छा है तो ये जो डर है बाहर में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेके ये क्यों है इसको हम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे है? तो ये सारे जो मेजर इशूज़ आ जाती हैं जिसके चलते मुझे लगता है कि बिहार का जो पिक्चर है ओवरऑल पिक्चर आसाम के आसाम को भी कहने से लोग डरते हो रहे आसाम किडनेपिंग हो जाएगा ये वो एक पुराना इमेज था लेकिन आज ग्रेजुअली वो डायल्यूट हो गया है अब कोई कह सकता हाँ काजिरंगा घूमने जाएंगे शिलोंग घूमने जाएंगे गुवाहाटी घूमने जाएंगे तो उतना डर अब नहीं लगता जितना लेकिन आज भी आप जाके बोलिए कि भैया बिहार से ट्रेन गुजरनी है उसकी मतलब यू नो डर जाता है वो आदमी अरे बिहार से अरे जैसे आप बिहार में आते हैं चाहे आप बक्सर की तरफ से अंदर आइए और चाहे वो यू नो आप बंगाल की तरफ से अंदर आइए आते ही आपको पहले ही आता है भैया ताने घुसका हाँ उससे डर जाते हैं मेरे जितने मित्र हैं वो कहते हैं कि अरे भाई बिहार आते हैं हम चीज़ उस समय उमेट के एकदम अलर्ट में होकर बैठ जाते हैं कि अब जब तक बिहार पार नहीं होगा तब तक और कुछ करने हैं चुपचाप बैठो हम लोगों ने बनाई है हाँ। हम ही लोगों ने बनाई है और हम लोगों को ही सुधारना पड़ेगा ये चीज़ और मैं बताया ना कि यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन लोड है ये समझना पड़ेगा ज़मीन कम है हमारे पास हाँ अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें और पॉपुलेशन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है तो वो एक पॉपुलेशन लोड है इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम है मतलब हर तरह की अपॉर्चुनिटी कम है यहाँ पे अवसर की सबसे बड़ी त्रासदी है अवसर का कम होना अवसर ही हमने क्रिएट करना ना पढ़ाई लिखाई में ना हेल्थ में ना एजुकेशन में तो लोग क्या एक जनरल फ्रस्ट्रेशन रहता है यहाँ पर ना छोटा सा एक कप चाय है उसको पीने वाले चार लोग हैं हाँ अब अब उसमें लड़ाई लगी हुई है तो अब वो जो मानसिकता मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ पर्सनल एग्जाम्पल है यह आप समझेंगे बच्चों का एग्जाम्पल है मैं जनरली एज अ पुलिस ऑफिसर हमेशा अपने पास चॉकलेट रखता हूँ तो मैं चॉकलेट बांटता रहता हूँ मतलब जो बच्चे हो चाहे कोई अच्छे लोग बुरे लोगों के लिए लाठी भी रहता है और अच्छों के लिए चॉकलेट रहता है तो चॉकलेट देता हूँ तो वहाँ बच्चों को आप चॉकलेट पहले तो ऐसे शर्माएंगे हाँ थोड़ा दूर होगी फिर आएंगे भी तो ऐसे करके हाथ देते और आप प्यार से उनको देंगे और वो लेके थैंक यू बोल के नमस्ते बोल के चले जाएंगे यहाँ बच्चों को आप जब हाथ बढ़ाते हैं ना मैं गया गांव में ऐसे चॉकलेट देने का ये बच्चे मैंने ऐसे करके छीन लिया मेरे हाथ से मुझे शॉकिंग लगा कि अरे छीना क्यों तुम्हें तो दे रहा था मैं छीनने का क्या है ये वही मानसिकता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बिहार में जो अवसर की कमी वो बच्चा डरता है ये भैया चॉकलेट दे रहे हैं कहीं मुझे छीन तो वापस तो नहीं ले लेंगे कोई और तो नहीं ले लेगा यू नो ये सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चॉकलेट ही है या ना देख तो लूँ कहीं मुझे ये चॉकलेट दे हाथ तो नहीं पकड़ना चाहते इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एकदम स्ट्राटेजिकली फट से हाथ से छीन के भाग जाता है तो आप सोचिए ये एक बहुत मैं छोटी बात कह रहा हूँ बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके अंदर बहुत गुड सत्य है आपके माध्यम से जो भी हमारे लोग इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा उस बच्चे के दिमाग में किसने डाल दिया ऐसा वो क्यों हो गया तो दिस इज़ थिंग जिसको जिसको कहीं ना कहीं बाकी आम श्योर सब लोग काम करें इन चीज़ों को मैं बाहर बाहर भी रहा हूँ दुनिया देखा है तो थोड़ा ये ज़्यादा दिखता है और मुझे लगता है कि मैं शायद इस काम को करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हूँ क्यों hmm. क्योंकि आपने कचड़े में मतलब इस बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल बोल रहा हूँ कहीं कचड़े या कहीं सुगंध है रूम में मान लीजिए अच्छा खुशबू है hmm. किसी खुशबूदार रूम में बैठे थोड़ी देर बाद वो तो खुशबू आना बंद हो जाता है या बदबू आना बंद हो जाता है क्योंकि आप वहीं बैठे हैं जो बाहर से आएगा ना उसी को वो दिखेगा उसी को वो सा सूंघ सकेगा वही उस चीज़ को महसूस कर पाएगा अब वो जरूर है कि उसको तुरंत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ज़्यादा देर फालतू बैठ गया तो उसको भी वो दिखना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में उसको भी वो आना या आना बंद हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि मैं अभी आया हूँ जब तक मुझे ये सब दिख रहा है मैं इसका पार्ट बनने से पहले ही इस चीज़ के लिए जो एक पॉजिटिव ऑलरेडी uh, जो भी हो रहा है उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकूँ थोड़ा स्पीडली काम कर सकूँ और एक नया आयाम एक नया नगेटिव अगर हम लोग ला सकें यहाँ पे सोशल सर्विसेज में या जो हमारा जो सोशल डिस्कोर्स है तो यंगस्टर्स को भी शायद एक नए बात करने का तरीका समझ में आएगा यार कि एक चीज़ को हम पॉजिटिवली देख सकते हैं हर बात नेगेटिव नहीं है हर बात के पीछे षडयंत्र नहीं है हर आदमी जो अच्छा सा लगता है वो मुखौटा नहीं पहना हुआ है हो सकता वक्त लगेगा बट ये भी हो जाएगा ये तो बात रही सोशल सर्विसेज की अब थोड़ा सा राजनीति पे बात कर लेते हैं चर्चा हो रही है बक्सर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बिहार में बन चुकी है और दूसरी ओर वहां पर अश्विनी चौबे का भी अगर कहे तो गढ़ कहा जाता है क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी वांस? नहीं देखिए मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने यही बार बार बोला है कि मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेस को ला के यहाँ पे आपके सामने समक्ष रख दिया हूँ अब आप इसको कैसे यूज करेंगे मैं मैं एक मतलब इस परिवार का एक हिस्सा हूँ मैं एक बड़े संघ परिवार का मैं खुद को अपना एक हिस्सा मानता हूँ तो हमारा परिवार है परिवार ये डिसाइड करेगा कि मुझे कैसे यूज़ करना है मुझे कहीं का प्रचारक बनाना है विस्तारक बनाना है कहीं पे यू नो किसी और काम में लगाना है तो जैसे उनको लगे कि मैं अच्छे काम में आ सकूँ मैं उसके लिए हूँ मैं कहीं किसी के विरोध में नहीं हूँ मैं किसी से कुछ लेना छीनना नहीं चाहता मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता और मेरा कोई दावेदारी भी नहीं कर रहा हूँ लोग जो कह रहे दावेदारी ऐसा नहीं है मैं देने आया हूँ मैं लेने या मांगने नहीं आया हूँ तो इस बात को और लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी यूथ को मैं बर्बाद नहीं भी करूँ ये जो मेरे पास क्या है आज एज है मेरे पास यूथ जो यूथफुलनेस है तो यह नहीं कि मैं आके फिर आराम से बैठ गया कि अच्छा ठीक है हम का। मैं सोशल सर्विस करने आ, उसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म हो सकते हैं मैं अकेला भी कर सकता हैं अकेला छोटा करूंगा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बड़ा करूंगा बस इतना ही है लेकिन मैं काम जरूर करूंगा ये टाइम को मैं वेस्ट एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं इसके लिए हूं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने जो कहा मैं क्योंकि उस क्षेत्र से हूँ तो ये नेचुरल है लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि कोई भी अपनी जगह से ही शुरुआत करता है मैं भी अपनी जगह से शुरुआत करना चाहता हूँ या जिस भी क्षेत्र में करूँ लेकिन मेरी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं दावेदारी कर रहा हूँ उनको हटा दिया जाए है ना उनको मुझे दे दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है ऐसा मुझे किसी ने कहा भी नहीं है मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आया हूँ अपने परिवार पे, परिवार मतलब मैं जो संगठन पर और परिवार पर भरोसा करके और इस आत्मविश्वास से आया हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिलेगा जो कि सोशली मीनिंगफुल और रिलेवेंट काम होगा अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कब तक ग्रहण करने निकलेगा नहीं देखिए इसका इसका मैं नहीं डिसाइड कुछ भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता अगर ऐसी बात होनी भी है तो ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना हमारे गार्जियंस हैं हमारे यू नो सब लोग हैं जो कि बेहतर समझते हैं कि कौन सा चीज़ कब कैसे क्या करना है तो ये उन पर छोड़ते हैं अदरवाइज मैं तब तक सोशल सर्विस पर काम करता रहा मैं जो जो काम कर सकता हूँ सोशली जितना एक्टिव हो सकता हूँ मैं अपने ऑलरेडी एक हमारी जो मित्र मंडली है दोस्त हैं जो अलग अलग आई आई टी सीज हैं आई एम से हैं है, और यू नो टेक्नोक्रैट्स हैं ब्यूरोट्स हैं तो हम लोग उनके उनके भी मन में बहुत उत्साह है कि कुछ करना है वो ग्राउंड पे आके कर नहीं सकते तो मैं उनका प्रतिनिधि बन के आ गया हूँ। यू you नो know, कि उन उन उनका जो करने का मन है वो जो करने की इच्छा रखते हैं जो उनके पास भी विजन है तो हमारी कलेक्टिव विजन के ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं जैसे कि सोशल बेटरमेंट की तरफ हम काम कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में राइट फ्रॉम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हेल्थ और एंड अदर इशूज़ बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट वाला जो प्लान है कंपोजिट डेवलपमेंट प्लान करके हम उस पर काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी सरकार काम कर रही है ऑलरेडी हर लेवल से अल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करें हम उसके काम को हम किसी के काम के विरुद्ध कुछ नया नहीं खड़ा करना है उनकी काम को ही कैसे हम सपोर्ट करके अगर वो पाँच की स्पीड में जा रहे हैं तो हम सात बना दें उससे स्पीड को अपने इससे इसी लक्ष्य के साथ से हम काम में ऑलरेडी उतरने उतर ही चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि मे बी जितनी जल्दी हो सके कि अपने लोगों से मिल सबसे जान पहचान बढ़ा के सबको एक साथ लेके एक पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें और जिसका मैं हो सकता है जरूर एक क्योंकि एक लीडरशिप पोजिशन से हमेशा रहा हूँ करियर वाइज आई एम ट्रेन टू लीड है ना और वैसा है तो मैं ज़रूर चाहूंगा कि जो भी हमारे साथ लड़के बच्चे ग्रुप जो हमारे साथ काम करें मैं उनका एज अ लीडरशिप उनको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि जैसे मैं अपनी जवानी की बात कर रहा करूँ किसी और की भी जवानी थोड़ी सी फ्रूटफुली यूटिलाइज हो सके अच्छा राजनीति में अब कदम रखने वाले आप किन्हीं जो भी नेता हैं पॉलिटिक्स में आप किन्हीं देखिए इट्स इट्स नॉट मैं तो राजा राम को मानता हूँ अगर ऐसा कहें तो भगवान राम जो है वो मेरे लिए आइकन है हमारे लिए क्या पूरे देश के लिए आइकन है हम राम राज्य की बात करते हैं हाँ राजा राम से अच्छा पॉलिटिशियन कौन था आप बताइए ना है ना उनसे उन्होंने राम राज्य का स्थापना क्या था ही वॉज द चीफ ऑफ एक एक पॉलिटिकल सेटअप था ना योध्या जो किंगडम था भारत था जो हमारा वो भगवान राम जो थे वो खुद एक पॉलिटिशियन थे तो उनसे अच्छा कौन था दूसरा आप उनके तो उनसे ही रिलेटेड राजा जनक ही कैन बी एन आइडियल तो अभी आज भी देख लीजिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मैं तो अब ज़्यादा बोलूँगा तो वो कुछ और साउंड करेगा मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा लेकिन आप देख लीजिए जब भी राजा जनक का ध्यान में आता है तो फिर मुझे एक पैरल मॉडर्न वर्ल्ड में वही दिखते हैं कि उस हिसाब से कोई है ना विदेह रूप में कोई अगर कर सके तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल आप देखा जाए आज के टाइम पे आप देखें तो आइडियल्स हैं जो लोग कहते हैं ना हमारे युवाओं के बीच में दिमाग में ना ये बॉलीवुड ने खराब दिमाग कर दिया इनका ये डाल के कि पॉलिटिक्स इज़ बैड अब जिससे वजह गंदा है कुछ पॉलिटिशियन गंदे हैं ये भगवान राम का ही पॉलिटिक्स है राजा जनक का ही पॉलिटिक्स है ये वो भूमि है जहां पे हम उस पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं से विश्वास करेंगे आनंद जी देखिए देख अभी कुछ दिनों पहले, कभी के साथ सरकार कर रही है तो लोग भी आ, किस तरीके से विश्वास कर पाए देखिए ये बात ही ना हमेंटिव गलत जा रहे हैं मुझे जो समझ में आ रहा है जो लोग इसको अलग तौर से देखते आप सोचिए इसमें पोलिटिकल मेचोरिटी देखिए इसमें चेंज ओवर मत देखिए ये देखिए कि यहाँ के नेते कितने पॉलिटिकली मेच्योर्ड है कि राज्य की सरकार को गिरने नहीं दे रहे आप उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रख रहे हैं हमेशा नहीं तो फिर से इलेक्शन कराइए बार बार इलेक्शन कराइए तो काम कब होगा आपके आपके सारे काम रुक चुके होंगे तो मैं तो इसको कहीं पॉलिटिकल मेच्योरिटी देखता हूँ कि इंसान किस तरह से बैलेंस बना के रख सकता है ठीक है जैसे एक नाव होता है ना कभी लेफ्ट जाती है कभी राइट जाती है बट वो बैलेंस बना रखे डूब ना जाए दैट इज़ अ पॉइंट तो मैं इसको बिहार की पोलिटिकल मच्योरिटी के रूप में समझता हूँ और मैं ये भी चाहूँगा और यू और, नो you know, कि जो बाकी हमारे बिहार के युवा हैं इन बातों में डोंट गो बाई दिस फेसबुक नरेटिव्स कि जो नरेटिव हमारे सोशल मीडिया पर शुरू कर दिए जाते हैं कोई एक तरह की बातें शुरू कर दी जाते हैं तो इंटरटेनमेंट बना लेते हैं पॉलिटिक्स इज़ नॉट इंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स जो है वो एक सीरियस एक सीरियस बिजनेस है उसको सीरियसली लिया जाए तो मैं इसको उस तरह से नहीं देखता मैं सच बता रहा हूँ बिहार की पॉलिटिक्स का भविष्य बहुत ही उम्दा और अच्छा देख रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों और सालों में एंड मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार जो है वो यू नो कहीं लीड करेगा हमारा पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो देश का है उसको कहीं लीड करेगा बिहार एक अच्छा नेतृत्व प्रोवाइड कराएगा राष्ट्रीय स्तर पर कि जब हमारा देश यू नो राष्ट्र गुरु के राह पे चल रहा है दो तक जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो उसमें बिहार की एक अहम भूमिका होनी चाहिए इसकी तरफ देख रहा हूँ और ये जो खटपट सी महसूस होती है ये भी कही न कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ अच्छे की तरफ बढ़ेगा अच्छा ये तो रही पॉलिटिक्स की बात अब कई लोग आपको यूथ आइकॉन भी मानते हैं और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं और ऐसे में कई सारी एक्टिविटीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं गिटार हो गया या म्यूजिक हो गया हमने देखा आपके सोशल मीडिया पर राइट इसमें ऐसा है दक्षा जी की Uh, मैं यूथ आइकन नहीं मानिए मुझे प्लीज़ हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी जी बट ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है तो मैं ये कहूँगा कि खुद का आइकन खुद बनना चाहिए इंसान को हाँ किसी से आप सीख जरूर लीजिए हर इंसान में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है अगर मुझ में कुछ अच्छा है उसको ज़रूर सीखिए बट मुझ में हो सकता है बहुत बुरा भी है आज नहीं तो कल दिखेगा तो बुराई तो सबके है इंसान है हम तो भगवान है नहीं तो इसलिए वो किसी को मैं आइकन नहीं बनना चाहता हूँ सच कह रहा हूँ पर्सनली यस ये जरूर कि मैं अपनी जिंदगी को स्वच्छंदता से जीना चाहता हूँ और सच्चाई से जीना चाहता हूँ और गैनिक लाइफ में बिलीव करता हूँ हाँ मैं गिटार बजाता हूँ बाइक चलाता हूँ कविता लिखता हूँ पेंटिंग करता हूँ गार्डनिंग अच्छा लगता है कभी कभी खाने पे भी कोशिश कर रहा हूँ आजकल के खाना बनाने भी कुछ सीख लिया जाए तो हर वो पॉसिबल चीज जो इंसान कर सकता है एक जीवन में उसकी तरफ मेरा भी मन जाता है मेरा भी मन करता है कि एक संपूर्ण जीवन हो एक जीवन जो है कि एक जीवन श्रेष्ठ जीवन बने तो इसके लिए कोशिश करता हूँ बच्चों को कुछ अच्छा लगता है कि हां ये बंदा सही यार अपने कन्विक्शन से अपने पैशन को जी रहा है ये बिल्कुल करना चाहिए तो दैट्स तो वॉट तो मैं कहूँगा कि जो अपनी जिंदगी में करने का मन हो तो उसको करने में कभी भी विचलित ना हो और क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे इस बात को सोचकर अपने जीवन का जो रफ्तार है या जो हमारा दिशा है उसको हम दूसरे के सोच के हिसाब से ना डालें वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए हम उस पर चलते रहें अच्छा एक आखिरी सवाल आप यंग हैं और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि यूथ आइकॉन कहा जाता है लड़कियों के भी प्रपोजल्स आते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि देखिए मैं खुद को बड़ा जगत भैया मानता हूँ सच बता रहा हूँ है ना अगर किसी बहन को ऐसा कुछ ऐसा कुछ हो भी तो मैं खुद को जगत भैया मानता हूँ मैं बचपन स्कूल से ऐसे ही चलता हूँ तो ये सब चीज़ नहीं है मैं क्योंकि एक पुलिस वाला हूँ तो हमेशा मन में एक रहता है कि जितनी बहनें हैं माताएँ हैं मैं उनका एक सिक्योरिटी वाला हिसाब वो मन में खुद आ जाता है हमेशा तो ये नेचुरल है मेरे लिए तो ये सब चीज़ नहीं जब अभी फोकस जो है हमारा राष्ट्र निर्माण और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ऐसी चीज़ों में यू नो कभी सोचा नहीं है ऐसे इस तरह से और कभी इस तरह से मुझे लगता है कि मैं क्योंकि ऐसा नहीं किसी तरह का यू नो करता हूं तो कोई मुझे भी ऐसा नहीं प्रपोजल करेगा क्योंकि अगर कोई आता भी है तो मैं तुरंत बहन बना लेता हूं हाँ सीधा बहन मेरा भाव ही भाई का है हाँ। हमेशा मैं आनंद भैया ही हूँ मैं आनंद भैया ही रहना चाहता हूँ हमारे बहुत बहुत हम तो साथ आनंद मिश्रा जिनकी चर्चा आज कल हर ओर हो रही है और ऐसे में लंबी बातचीत हो रही थी खूब सारी बातचीत इनसे हमने की और सारे पहलुओं को जाना कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया दर्श न्यूज पटना